हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गेट लेक्चर्स डॉट कॉम में। आज हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डीएसएसबी के लिए, और ये वीडियो सीरीज आपकी हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। अभी अभी आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस के कुछ वैकेंसीज आई हैं, और डीएसएसबी ने हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ वैकेंसीज जारी की हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए। तो डीएसएसबी क्या है और ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस क्या है? ये पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जॉब है जो गवर्नमेंट के दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स में जॉब होगी, और बहुत ही अच्छी जॉब है। जिन्होंने एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए किया हुआ है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इन जॉब्स को करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में मेल के लिए कुछ वैकेंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनरिजर्व के लिए 51 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 26 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 14 वैकेंसीज हैं, एंड एसटी के लिए 7 वैकेंसीज हैं, पीएच के लिए 98 वैकेंसीज हैं। ये है मेल के बारे में। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल के लिए वैकेंसीज हैं आपकी सेम 51, 26, यहाँ पर एक इंक्रीज की गई है 15, एंड यहाँ पर एक इंक्रीज की गई है 99। टोटल वैकेंसीज ये हैं कंप्यूटर साइंस पीजीटी में। और जो लोग ओबीसी में हैं, ओबीसी में सिर्फ उन्हीं को फायदा मिलेगा जो लोग दिल्ली से हैं। ये ओबीसी कैटेगरी का जो फायदा मिलेगा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आउटसाइड दिल्ली का अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो ये आप पर मान्य नहीं होगा। ये सिर्फ इसका फायदा सिर्फ दिल्ली के लोगों को मिलने वाला है। तो ये सबके लिए, कोई भी इसको फिल करता है फॉर्म को, और लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की 31 जनवरी 2018। अभी हमारे पास में 1 वीक है इसको। यू कैन फिल द फॉर्म बिफोर 5 PM। तो इस जॉब की बात करें तो 4800 ग्रेड पे है इस जॉब की, और ग्रुप बी की जॉब है, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी जॉब है। इसका मतलब यह कि आप कम से कम 80,000 रुपीज़ की, 80,000 पर मंथ की जॉब है, प्लस दिल्ली गवर्नमेंट की एक जॉब है। तो एज लिमिट है इसमें 30 ईयर्स। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए बताया गया है कि या तो आप बीटेक हो, बीटेक, अगर आप बीटेक हो सिर्फ तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन उसके लिए आपने बीटेक के साथ में एक पीजीडीसीए किया हुआ हो, प्लस 1 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो, 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। सेकंड, लोग कौन एलिजिबल है? जिन्होंने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर एमसीए है, प्लस 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। उसके बाद में थर्ड जो एलिजिबल लोग हैं वो है एमटेक कंप्यूटर साइंस। अगर आप एमटेक है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदा है, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। तो एमटेक स्टूडेंट्स के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बीटेक हो तो आपको कुछ चीजें इंक्लूडेड हैं एक्स्ट्रा। बट अगर आप एमटेक कंप्यूटर साइंस हो तो आप डायरेक्टली इसके लिए एलिजिबल हो। अगर हम एग्जाम की बात करें, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? आपके डीएसएसबी ने दो तरह के एग्जाम्स हैं, बहुत सारे आपकी पोस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, आर्ट, साइंस। हमसे सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, हमें देखनी है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो दो तरह के एग्जाम होंगे, 1 टायर एग्जाम एंड 2 टायर एग्जाम्स। हर एक सब्जेक्ट के लिए वो अलग अलग होगा कि कुछ कुछ सब्जेक्ट में सिर्फ 1 ही टायर एग्जाम है और कुछ सब्जेक्ट्स में 2 टायर एग्जाम्स हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हमारा 1 टायर एग्जाम होगा। कंप्यूटर साइंस में 1 टायर एग्जाम है, मतलब सिंगल टायर एग्जाम है, और उसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो आपके पेपर में दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन वन में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो पहले पेपर में 5 आपके सब सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए के अंदर 5 सब सेक्शन होंगे। पहला जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड हिंदी एंड इंग्लिश। तो ध्यान रहे, इसमें हिंदी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो 5 सेक्शंस हैं हमारे पास में, हर एक सेक्शन 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स हिंदी एंड 20 मार्क्स इंग्लिश। सो ओवरऑल सेक्शन ए 100 मार्क्स का होगा, जो कि नॉन टेक्निकल पार्ट होगा पूरा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिंदी एंड इंग्लिश।
सेक्शन बी जो होगा उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा, तो 200 मार्क्स का सेक्शन होगा, पेपर एक ही होगा। डीएसएसबी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए सिंगल पेपर होगा, सिंगल टायर एग्जाम है। दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट होगा जिसमें ये सब चीज़ें होंगी, सेक्शन बी पूरा टेक्निकल पार्ट होगा और इसमें आपके कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, और कंप्यूटर साइंस के बहुत ही इजी क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम के, डीबीएमएस के, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, इन सब के बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। जब हम इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे डीएसएससी का जो टेक्निकल पार्ट है बहुत ही सिंपल है। बस इसमें ध्यान क्या रखना होगा, आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, वो भी 1.5 आवर्स में। तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से होंगे, प्लस आपका नॉन टेक्निकल भी अच्छा होना चाहिए। ओके, तो टेक्निकल क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाओगे, नॉन टेक्निकल में आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम डेली आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ऑनलाइन। ओके, सो हर एक दिन आप एक वीडियो पाओगे, आपको एक वीडियो मिलेगी जो हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। तो उस वीडियो में हम एटलीस्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डीएसएसबी के। सो इस तरह से अगर हम अभी ये मान के चलें कि डीएसएसबी का भी एप्लीकेशन ओवर होगी 31 जनवरी में, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक्सपेक्टेड है कि मार्च या अप्रैल में होगा। ओके, तो एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होने का मतलब है कि आपके पास में 2 मंथ्स हैं। ओके, तो 2 मंथ तक अगर आप डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके अबाउट 1800 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होगे। तो अगर आपके पास में वैसे भी टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने का, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, डेली एक वीडियो देखें जो हम बनाएंगे। हम वीडियोस बनाने में कंसिस्टेंट रहेंगे और आप इन वीडियोस को बनाने में देखने में कंसिस्टेंट रहें। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी कंसिस्टेंटली। तो हम आपको उसी चीज़ में हेल्प करेंगे, हम डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ऑनलाइन वीडियो के थ्रू, और आपको क्वेश्चन देखने हैं सिर्फ सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देख लें तो टेक्निकल पार्ट आपका ऑब्वियसली प्रिपेयर हो ही जाएगा डीएसएसबी का। और इस सेक्शन बी में, इस पेपर के सेक्शन बी में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपको कई सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है इस एग्ज़ाम के लिए, और बहुत ही अच्छी जॉब है अगर आप दिल्ली में हो और दिल्ली के अंदर जॉब करना चाहते हो। तो 80,000 सैलरी है, प्लस 4 आवर्स की आपकी जॉब है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो नॉन टेक्निकल में आपके 5 पार्ट हैं 100 मार्क्स के, और टेक्निकल पार्ट में आपके 2 पार्ट्स हैं टेक्निकल एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के। बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन टेक्निकल होंगे। तो 200 क्वेश्चंस होंगे एंड 200 मार्क्स से होंगे, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होंगे। टोटल आपके पास 300 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के इस पूरे डीएसएसबी के कंप्यूटर साइंस के पेपर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। डीएसएसबी का कंप्यूटर साइंस का पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेगमेंटेशन इज व्हाट। तो ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से है। पहली चीज, फ्रेगमेंटेशन मींस हम फ्रेगमेंटेशन में क्या करते हैं, मेमोरी को डिवाइड करते हैं इक्वल साइज पार्टीशंस में। फॉर एग्जांपल अगर पेजिंग की बात करें, पेजिंग में हम पूरी मेमोरी को पेजेस में डिवाइड कर देते हैं। ओके, हम एक्चुअली में मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं। तो इक्वल साइज की जो फ्रेगमेंट्स हैं मेमोरी में, उनको बोलते हैं फ्रेम्स। अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट यूज किया हुआ है सेगमेंटेशन, तो हम क्या करेंगे, मेमोरी को सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, और सेगमेंट्स जो है वो अनइक्वल साइज के होते हैं। तो फ्रेगमेंट इज डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इनटू इक्वल साइज फ्रेगमेंट्स। सो बी इज द राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर है। हम मेमोरी को इक्वल साइज के फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्वेश्चन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम अकर्स। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि कोई भी अगर रिसोर्स है, अगर दो प्रोसेस है P1 P2, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही क्वेश्चन है, और एक रिसोर्स है R1, तो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस इस रिसोर्स को यूज़ करे, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर हम कोई भी ऐसा डेटा जो दो प्रोसेस शेयर कर रही है, दो प्रोसेस का शेयर डेटा है, ओके, जैसे R1 है इस रिसोर्स को P1 भी यूज़ करेगी और P2 भी यूज़ करेगी, तो R1 क्या हुई, एक शेयर्ड रिसोर्स हुई। तो जब भी कोई शेयर्ड रिसोर्स होगी, हम चाहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में उस रिसोर्स को एक्सेस किया जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर का मतलब ये है कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस उसको एक्सेस कर पाए। तो ये कह रहा है कि बिटवीन टू डिसजॉइंट प्रोसेसेस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट। ओके, ये तो गलत ही है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिपेंडेंट प्रोसेसेस की, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की। अपने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में पढ़ा होगा कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। सो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस वो हैं जो एक दूसरे से अफेक्ट कर रही है। ओके, अगर P1 एंड P2 है तो P1 इज अफेक्टेड बाय P2 एंड P2 अफेक्ट्स P1। ओके, अगर एक प्रोसेस किसी दूसरे को अफेक्ट कर रही है, किसी से अफेक्ट हो रही है,
या फिर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है किसी तरह से, उनको बोलते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब ये है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना वो कॉमन डेटा यूज़ कर रही है, ना उनका कॉमन कोड है। तो ये तो गलत है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जब भी बात करेंगे, हम बात करेंगे उन प्रोसेसेस की जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है। बी कह रहा है कि अमंग प्रोसेसेस दैट शेयर रिसोर्सेज, दिस इज ट्रू। ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन उन्हीं प्रोसेस के बीच में हो सकता है जो कोई रिसोर्स शेयर कर रही है। इन ये प्रोसेसेस अगर कोई रिसोर्स शेयर कर रही है तो इनको हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। अमंग प्रोसेसेस दैट डू नॉट यूज द सेम रिसोर्स, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज फॉल्स। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। तो इसमें हमारे पास में कुछ लिस्ट वन में कुछ कोड्स दिए हुए हैं, लिस्ट टू में कुछ एल्गोरिथम्स दी हुई हैं। तो अब ध्यान से देखो तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। डीएसएसबी में बहुत ही सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्निकल पार्ट में। बस आपको, अगर आपने किसी भी लेट से गेट या नेट की प्रिपरेशन की है, तो आप इसको बहुत ही आराम से इस एग्जाम को निकाल पाओगे। तो अगर यहाँ लिस्ट टू में देखें, आपको बताया गया राउंड रॉबिन एल्गोरिथम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, स्कैन एल्गोरिथम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, लिफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, फीफो आपकी अलग एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे हम बात करें डिस्क शेड्यूलिंग किसके साथ में मैच होगा। हमें पता है कि स्कैन एक एल्गोरिथम है जो डिस्क शेड्यूलिंग में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है सेक्टर ट्रैक्स को एक्सेस करने के लिए, तो उन ट्रैक्स को कैसे एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस किस ट्रैक को पहले एक्सेस करना है, ये आपकी एल्गोरिथम्स बताती हैं, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ टाइम शेयरिंग की, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। टाइम शेयरिंग का मतलब यह है कि प्रिमिटिव एल्गोरिथम होगी जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी। टाइम शेयरिंग या इसको मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। टाइम शेयरिंग का मतलब है कि एक टाइम पे बहुत सारी प्रोसेस रन कर रही है, मतलब एक दूसरे के बीच में स्विच कर रही है, वो टाइम को शेयर कर रही है। तो राउंड रॉबिन ऐसा ही करती है। इसमें टाइम क्वांटम होता है हमारे पास में कुछ। टाइम क्वांटम, लेट से आपने कहा कि टाइम क्वांटम 4 नैनोसेकंड है, इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस 4 नैनोसेकंड के लिए रन करेगी, उसके बाद में दूसरी प्रोसेस आ जाएगी और वो टाइम को शेयर करेगी। तो टाइम शेयरिंग राउंड रॉबिन के साथ में। बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग का हमें पता है कि अब जो भी प्रोसेस, बैच प्रोसेसिंग एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपली क्या होता है कि आपके पास में बैच ऑफ जॉब्स मेमोरी के अंदर रखी होगी। ओके, ये जॉब का बैच है, जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री, जॉब फोर। तो इनमें से एक एक प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगी। ओके, उसके बाद में एग्जीक्यूट होगी और फिर आईओ एग्जीक्यूट होगी। ओके, अगर इसको आईओ पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो आईओ के ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। और जब जॉब वन आईओ के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है तो सीपीयू फ्री है उस टाइम पर, सीपीयू आइडल है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जब जे वन आईओ कर रही है तो जे टू को हम यहाँ पे शेड्यूल कर दें, क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसीलिए कहते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सीपीयू आइडल रहता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी जॉब पहले आएगी वो जॉब पहले शेड्यूल होगी। तो आप कह सकते हो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम फीफो के साथ में मैच होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, इंटरप्ट प्रोसेसिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो यहां पर ए मैच हो रहा है आपका 2 के साथ में, बी मैच हो रहा है 4 के साथ में। ओके, 2 4, सी मैच हो रहा है आपका 1 के साथ में, और डी मैच हो रहा है 3 के साथ में। तो आंसर मिल गया है हमें 3, सी इज द राइट आंसर। ए 2 के साथ मैच हो रहा है, बी 4 के साथ में, सी 1 और डी 3 के साथ में। बूट स्ट्रैप लोडर इज ऑलवेज स्टोर्ड इन विच काइंड ऑफ मेमोरी। तो बूट स्ट्रैप क्या है, हम सबसे पहले पता होना चाहिए कि बूट स्ट्रैप क्या है। बूट स्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम है जो रोम से, जो कुछ एक प्रोग्राम होगा बूट स्ट्रैप, उसको लोड करेगा रोम से मेन मेमोरी के अंदर। फिर वो प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर रन होगा, मेन मेमोरी के अंदर जाएगा तो वो पहले सबसे पहले रन होगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना स्टार्ट करेगा हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सके। हमें पता है कि अगर हमें कुछ भी रन करना है तो वो सब मेन मेमोरी के अंदर होना चाहिए। तो जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराना है, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कराने के लिए हम एक प्रोग्राम यूज़ करते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर हमेशा रोम में रहता है, और जैसे ही आप पावर ऑन करते हो तो ये प्रोग्राम रोम से रैम में ट्रांसफर होता है और फिर रैम एग्जीक्यूट होता है बूट स्ट्रैप लोडर। और बूट स्ट्रैप लोडर का काम ये है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करे हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर। तो बूट स्ट्रैप लोडर हमेशा आपका रिसाइड करेगा रोम के अंदर, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो इनिशियली डिस्क में होगा। और जब आपका कंप्यूटर बूट कर रहा होगा, बूट करने का मतलब यही है, आपने देखा होगा जब आपका कंप्यूटर बूट कर रहा होता है तो कुछ प्रोसेसिंग चल रही होती है, वो प्रोसेसिंग का मतलब यही है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से उठ के रैम में आ रहा है। ओके, तो बूट स्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम है जो कि हमेशा रोम के अंदर स्टोर होगा। अब हमारे पास में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन है।
ऑपरेटिंग सिस्टम का, द जॉब्स आर रिज्यूम टू हैव अराइव्ड एट टाइम जीरो. सो सब प्रोसेस, सब जितने भी प्रोसेस हैं उनका अराइवल टाइम है जीरो, इस ऑर्डर में आई है. कैलकुलेट द डिपार्चर टाइम फॉर जॉब पी. डिपार्चर टाइम या कह सकते हो आप कंप्लीशन टाइम, मतलब कब ये टर्मिनेट होगी. तो कंप्लीशन टाइम बताना है पी का. इफ शेड्यूलिंग इज राउंड रॉबिन विद टाइम स्लाइस वन, तो आपको टाइम क्वांटम वन यूज करके राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज करनी है और आपको बताना है कि प्रोसेस पी कब कंप्लीट होगी. तो सिंपली अगर आपका जेंट चार्ट सही बन गया तो आपका क्वेश्चन भी सही होगा. तो इनिशियली प्रोसेस पी आई जीरो पे, जीरो से वन तक पी रन करी, क्योंकि अब क्या है टाइम क्वांटम वन है तो एक प्रोसेस सिर्फ वन सेकेंड के लिए रन करेगी. ये पी रन करी जीरो से वन तक और इंटरप्ट आया टाइमर का और पी ऐड हो गई आपकी रेडी क्यू के अंदर. तो टाइम वन पे पी आ गई है रेडी क्यू के अंदर. हमें रेडी क्यू मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी है. अब क्यू, क्यू भी जीरो पे आई हुई थी तो वन से टू क्यू रन करी, उसके बाद में क्यू कंप्लीट हो चुकी है, इसको वन सेकेंड ही चाहिए होती. और आर आई दो से तीन आर आई रन करेगी, उसके बाद में एस आएगा तीन से चार, उसका मतलब यह है कि एस भी कंप्लीट कर चुका. उसके बाद में चार से पाँच रन करेगा आपका टी. अभी आपके पास में इसकी तीन रह रही है, इसके लिए सेवन टाइम यूनिट्स रह रही है और इसके लिए वन टाइम यूनिट रह रही है. ओके, एक एक सब रन कर चुके हैं. अब फिर से पी आएगी, पी चली पाँच से छः, उसके बाद में आर आई, आर चली आपकी सिक्स से सेवन, और उसके बाद में फाइनली आपकी रह रही है टी, टी चली सेवन से एट, टी कंप्लीट कर गई. अब आपके पास में दो ही प्रोसेस बची हुई है, पी एंड आर. अभी दोनों एक दूसरे के साथ में अल्टरनेट होगी. इसके बाद में पी चलेगी आपकी आठ से नौ, अब इसमें रह गया आपका पी रन कर चुकी है दो तीन बार, अब इसमें एक सेकेंड और रह गई है. ओके, इसको एक सेकेंड और रन करना है. अब आर चलेगी, आर चल चुकी है वन टू, दो बार आर चल चुकी है, इसका मतलब क्या है कि इसको सिक्स सेकेंड और रन करना है. तो नौ से दस आपकी रन करेगी आर, उसके बाद में पी आएगी दस से ग्यारह. तो पी कंप्लीट कर चुकी है वन टू थ्री फोर सेकेंड के लिए चल चुकी है, उसको फोर ही चाहिए थी. तो यहाँ पे पी कंप्लीट हो चुकी है. हमें यही बताना है कि पी का डिपार्चर टाइम क्या होगा. यहाँ पे पी कंप्लीट होकर डिपार्ट कर जाएगी और 11 डिपार्चर टाइम है पी का. तो आंसर है सी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सपोज वी हैव अ सिस्टम इन विच प्रोसेस इज इन होल्ड एंड वेट कंडीशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच प्रिवेंट्स द डेडलॉक. ओके, तो हमें पता है कि डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या होता है. हम कहते हैं कि चार नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक होने के लिए. वो फोर नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं अगर मैं बात करूं डेडलॉक की, तो डेडलॉक के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं. ओके, याद रहे नेसेसरी कंडीशंस, ना कि सफिशिएंट. नेसेसरी कंडीशंस वो हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओके, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, या फिर कुछ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट एंड स्टारवेशन. ये चार नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक होने के लिए. चारों चारों कंडीशन एक साथ अकर, अगर एक चारों चारों कंडीशन एक साथ अकर हो रही है तो डेडलॉक डेफिनेटली है. तो आप डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या करते हो, आप इनमें से कोई एक कंडीशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हो. अगर आप इनमें से कोई एक कंडीशन भी बचा पाए होने से तो आप डेडलॉक प्रिवेंट कर जाओगे. अब ये कह रहा है कि सपोज वी हैव अ सिस्टम इन विच प्रोसेसेस इज इन होल्ड एंड वेट कंडीशन. कुछ प्रोसेसेस हैं वो होल्ड एंड वेट कंडीशन में है. होल्ड एंड वेट कंडीशन का मतलब ये कि वो कुछ रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं और कुछ रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही हैं. अगर अब मैं इसका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बताऊं तो कुछ ऐसे होगा. लेट से दो प्रोसेस हैं, आर जो है वो पी वन को असाइंड है एंड पी वन वेट कर रही है आर टू के लिए, आर टू पी टू को असाइंड है एंड आर पी टू वेट कर रही है आर वन के लिए. अगर आप यहां ध्यान से देखो तो डेडलॉक हो रहा है. पी वन वेट कर रही है आर टू के लिए लेकिन आर टू असाइंड है पी टू को. जब पी टू आर टू को छोड़ेगी तब पी वन को मिलेगी. इसी तरह पी टू वेट कर रही है आर वन के लिए जो कि पहले से असाइंड है पी वन को. तो ये आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है. ये होल्ड एंड वेट है. होल्ड एंड वेट कैसे हुआ, पी वन ने आर वन को होल्ड किया हुआ है एंड आर टू के लिए वेट कर रही है. पी टू ने आर टू होल्ड किया हुआ है और आर वन के लिए वेट कर रही है. तो मैं क्या करूं जिससे कि होल्ड एंड वेट कंडीशन बच जाए, ओके, टू प्रिवेंट द डेडलॉक. तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहला सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है, रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्सेज इनिशियली. मतलब क्या कह रहे हैं कि कोई प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही सारी रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करें. तो अगर सारी रिसोर्सेज को वो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले रिक्वेस्ट करें और उसको सारी की सारी रिसोर्सेज मिल जाए तो वो बीच में कोई उसको वेट नहीं करना पड़ेगा. ओके, वो कभी भी होल्ड एंड वेट की कंडीशन आएगी ही नहीं.
होल्ड एंड वेटिंग कंडीशन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले ही उसको सारी की सारी जो उसने रिसोर्स चाहिए थी R1, R2, R3 वो रिक्वेस्ट करी, अगर वो सारी की सारी मिल गई तो ये स्टार्ट करेगी एग्जीक्यूट करना, अगर एक भी नहीं मिली तो बाकी को भी छोड़ देगी और वेट करेगी। ओके, तो एक प्रोसेस रन करना तभी स्टार्ट करेगी जब उसको सारी की सारी रिसोर्सेज मिल जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे आपका कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग है। कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग में भी हम यही कहते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले सारे डेटा आइटम्स को लॉक करेगी पहले, तो इसमें होल्ड एंड वेट नहीं हो सकता। तो पहला सॉल्यूशन सही है। स्पूल एवरीथिंग का मतलब यह है कि सब कुछ छोड़ दे। टेक रिसोर्सेज अवे का मतलब यह है कि आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपसे छीन ली जाए। ओके, कोई भी प्रोसेस है अगर वो वो किसी भी रिक्वेस्ट किसी भी रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, तो अगर आप ये कर दो कि अगर कोई प्रोसेस है पी जैसे पी वन है और वो आर टू के लिए वेट कर रही है, तो ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि अगर उसको रिसोर्स नहीं मिल पा रही है तो ये जो उसको मिली हुई है वो भी छोड़ दे। ओके, जो उसने होल्ड की हुई है वो छोड़ दे। अगर कोई प्रोसेस ऐसा हुई कि उसने कुछ होल्ड किया हुआ है और वो कुछ किसी कुछ रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है, तो हम एक सोल्यूशन ये अब लगाएं कि जो भी होल्ड एंड वेट कंडीशन में उससे जो उसने रिसोर्स होल्ड की हुई है उससे वो छीन ली जाए। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में स्टारवेशन होगा। स्टारवेशन कैसे होगा कि हो सकता है कि बार बार कोई प्रोसेस पी वन जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है लेकिन उसको मिल नहीं पा रही है, तो हम उसके पास जो थी वो हमने उससे पहले से ही प्रीम्प्ट कर ली है, वो उससे हमने ले ली है। तो इस तरह से क्या होगा, जब भी उसको पी अगर लेट से फ्यूचर में ऐसा हुआ कि पी वन जो है आर टू के लिए वेट कर रही थी और कभी उसको फ्यूचर में जाके आर टू मिल भी गया लेकिन आर वन से पहले से छीन लिया गया था, तो इसको आर वन के लिए फिर दोबारा से वेट करना पड़ेगा। अब आर वन के लिए वेट करेगा तो आर टू छीन ली जाएगी, तो इस तरह से स्टारवेशन हो जाएगा। ओके, सो ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करती है? डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सिर्फ सिंपल सी चीज करती है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ट्रैक नंबर 16, 18, 100, 98 लाइक दिस, ये सब मुझे हार्ड डिस्क से एक्सेस करने हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस ऑर्डर में रिक्वेस्ट करी। तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या कहती है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये डिसाइड करेगी कि पहले इनमें से कौन सी रिक्वेस्ट को सर्विस किया जाए। ओके, बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, उनमें से कौन सी रिक्वेस्ट को पहले सर्विस किया जाए, ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिसाइड करेगी। अब डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऐसी होनी चाहिए कि सीक टाइम कम हो जाए आपका। सीक टाइम का मतलब यह है कि हार्ड डिस्क के अंदर ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स के अंदर सेक्टर्स हैं, तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। मतलब जो जो डिजायर्ड ट्रैक है, लेट्स से आपका अगर कोई रीड राइट हेड जीरो पे पड़ा हुआ है, उसको जीरो से अब कहाँ जाना है, 16 पे जाना है, तो जीरो से 16 पे जाने का जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं सीक टाइम। करेक्ट ट्रैक जो आपको चाहिए उस तक पहुंचने के टाइम को बोलते हैं सीक टाइम। ओके, तो हम ये भी चाहते हैं कि सीक टाइम कम कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, और हेड मूवमेंट जो है वो भी कम हो, उसके लिए हमने डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रखी हुई है। तो ऑप्शंस कहते हैं कि विच डिस्क शुड बी एक्सेस्ड नेक्स्ट, द ऑर्डर इन विच डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट मस्ट बी सर्विस्ड, जैसे मैंने अभी कहा। सो ऑब्वियसली बी तो सही है ही है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स ये डिसाइड करती है कि किस ऑर्डर में इनमें से रिक्वेस्ट को सर्विस किया जाए। सी कह रहा है कि द फिजिकल लोकेशन वेयर फाइल्स शुड बी एक्सेस्ड इन द डिस्क नॉट रिलेटेड, तो बी इज द राइट आंसर, द ऑर्डर इन विच डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट मस्ट बी सर्विस्ड। क्वेश्चन नंबर 8, इन राउंड रॉबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एज द टाइम क्वांटम इज इंक्रीज्ड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज व्हाट, इंक्रीजेस डिक्रीजेस और रिमेंस कॉन्स्टेंट या फिर वेरीज इररेगुलरली। तो अगर मैं बात करूँ टर्न अराउंड टाइम की, टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आपने बहुत सारे टाइम्स पढ़े होंगे। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हमें एक वेटिंग टाइम पढ़ा था, एक रेस्पॉन्स टाइम, एक टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, सो ये सब टाइम थे। टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये है कि प्रोसेस कब उस रेडी क्यू के अंदर आई और कब कंप्लीट हुई, टोटल टाइम जो उसने स्पेंड किया है, मतलब कंप्लीशन टाइम मतलब माइनस अराइवल टाइम, सिस्टम के अंदर जितना टाइम उसने टोटल स्पेंड किया है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। रेडी क्यू में आने से लेके और टर्मिनेशन तक का टाइम उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, टाइम क्वांटम अगर मैं इंक्रीज कर दूं, लेट्स से राउंड रॉबिन एल्गोरिथम थी और टाइम क्वांटम था मेरा 2 नैनोसेकंड्स, मेरे पास में दो प्रोसेस है लेट्स से P1 P2, और P1 आई है आपकी 0 पे और P2 आई है 1 पे, ये अराइवल टाइम है और ये आपका बस टाइम है, इसका भी बस टाइम 4 है, इसका भी 4 है। अगर मैं इनको रन कराता हूँ तो मुझे देखना है कि टर्न अराउंड टाइम बढ़ेगा या घटेगा। पहले मैं दो नैनो सेकंड टाइम क्वांटम के साथ करता हूँ, फिर मैं टाइम क्वांटम को इंक्रीज करूंगा। तो अगर 2 नैनो सेकंड टाइम क्वांटम है
तो 0 से 2 तक ही, मतलब 2 नैनो सेकंड के लिए एक प्रोसेस रन कर सकती है। तो पी वन रन करी 0 से 2 तक, अब इसको 2 और चाहिए। फिर पी टू रन करेगी 2 से 4 तक, ओके। फिर से पी वन आएगी 4 से 6, एंड फिर से पी टू आएगी 6 से 8, ओके। तो अगर मैं टर्न अराउंड टाइम की बात करूँ पी वन के, पी वन का टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम है 8, पी वन का कंप्लीशन टाइम है 6, एंड अराइवल टाइम है 0। और टर्न अराउंड टाइम पी टू का कितना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, पी टू का कंप्लीशन टाइम है 8, अराइवल टाइम है 1, तो 7 इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया। तो एवरेज टर्न अराउंड की बात करूँ अगर मैं, तो 6 प्लस 7 बाई 2, 13 बाई 2 मीन्स 6.5 नैनो सेकेंड। तो अभी टर्न अराउंड टाइम ये आया है, अगर टाइम क्वांटम 2 नैनो सेकेंड था, अगर मैं इसको 4 नैनो सेकेंड कर देता हूँ तो अब क्या होगा, अब जैन चार्ट कुछ ऐसे बनेगा। 0 से 4 तक रन करेगी कौन, पी वन, एंड 4 टू 8 पी टू रन करेगी। तो कंप्लीट हो जाएगी पहली बार में ही, क्योंकि इनको 4-4 सेकेंड्स ही चाहिए, ये पहली पहली बार में ही कंप्लीट हो जाएंगी। तो टर्न अराउंड टाइम पी वन की बात करूँ तो 4 माइनस 0, टर्न अराउंड टाइम पी टू की बात करें तो 8 माइनस 1 यानी कि 7, तो 4 प्लस 7 बाई 2। एवरेज टर्न अराउंड टाइम की अगर बात करें कितना हुआ, 5.5। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप टाइम क्वांटम इंक्रीज करते हो तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो डिक्रीज होगा। आप देख सकते हैं राउंड रॉबिन के टाइम क्वांटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर टाइम क्वांटम बहुत ही छोटा होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विच बहुत ज़्यादा होंगे, ओके, लेकिन रेस्पॉन्स टाइम अच्छा होगा, हर प्रोसेस को थोड़ी से टाइम के बाद रेस्पॉन्स मिलता रहेगा। तो अगर टाइम क्वांटम बहुत छोटा है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच बहुत ज़्यादा होंगे, एंड हर किसी को बहुत जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होगा। अगर टाइम क्वांटम बहुत ज़्यादा है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच तो कम होंगे लेकिन रेस्पॉन्स टाइम भी कम होगा, बढ़ जाएगा, बहुत देर बाद रेस्पॉन्स मिलेगा। तो राउंड रॉबिन में आपका टाइम क्वांटम ऐसा होना चाहिए, ना तो बहुत छोटा हो ना ही बहुत बड़ा हो। अगर टाइम क्वांटम बहुत ही छोटा हुआ तो कॉन्टेक्स्ट स्विच बहुत ज़्यादा होंगे, अगर टाइम क्वांटम बहुत बड़ा हो गया तो वो आपकी जो एल्गोरिथम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बन जाएगी। तो इस तरह से हम टाइम क्वांटम को रखें कि वो बिल्कुल मैनेज्ड हो। तो हमने देखा कि अगर टाइम क्वांटम को इंक्रीज़ करते हैं तो टर्न अराउंड टाइम डिक्रीज होता है, ओके। पहले टर्न अराउंड टाइम अगर टाइम क्वांटम 2 नैनो सेकंड था तो टर्न अराउंड टाइम 6.5 था, जब मैंने 2 से 4 कर दिया तो टर्न अराउंड टाइम 5.5 हो गया है। अब नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम्स फेवर सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस, ओके। इनमें से कौन सी एल्गोरिथम्स जो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस, सीपीयू बाउंड प्रोसेस का मतलब क्या है कि प्रोसेस जो है वो दो ही तरह की होती है आपकी, या तो वो सीपीयू बाउंड होती है या फिर आईओ बाउंड। इसका मतलब ये है, सीपीयू बाउंड का मतलब ये है कि जो प्रोसेस सीपीयू पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, मतलब मैक्सिमम टाइम सीपीयू पे स्पेंड कर रही है, वो सीपीयू बाउंड प्रोसेस है। जो प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम आईओ पे टाइम स्पेंड कर रही है वो है आईओ बाउंड प्रोसेस। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम आपकी सीपीयू बाउंड प्रोसेस को फेवर करता है, एंड मल्टी लेवल क्यू फीडबैक क्यूज जो है वो भी इनको फेवर करता है। आप देख सकते हो कि टाइम शेयरिंग सिस्टम में हर किसी को सीपीयू मिलता है बार बार, और मल्टीपल लेवल क्यू फीडबैक में भी हम क्या यूज़ करते हैं, टाइम क्वांटम यूज़ करते हैं, लेकिन हर एक क्यू में अलग अलग टाइम क्वांटम यूज़ करते हैं, और लास्ट वाली क्यू आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्यू होती है। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है स्पूलिंग के बारे में, ओके। स्पूलिंग की अगर बात करें, स्पूलिंग है क्या चीज़, स्पूल की अगर आप फुल फॉर्म ही देखें, स्पूल जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म से आपको आंसर मिल जाएगा। स्पूलिंग की फुल फॉर्म है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑनलाइन, ओके, ऑपरेशन ऑनलाइन, दिस मींस ऑपरेशन, एंड दिस ओएल मींस ऑनलाइन, ओके। सो साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन स्पूल की डेफिनेशन है। तो प्रिंटर में आपने कई बार स्पूलिंग वर्ड सुना होगा, स्पूलर डायरेक्टरी।
स्पूलर डायरेक्टरी क्या है, जब भी आप बहुत सारी फाइल्स प्रिंट करते हो एक साथ, लेट से आपने चार पांच फाइल्स की कमांड एक साथ दे दी, तो क्या होगा, वो जो आपकी फाइल्स हैं वो एक बफर में जाके स्टोर होगी, जो प्रिंटर का बफर होगा, उस प्रिंटर के बफर को बोलते हैं स्पूलर, ओके, स्पूलर डायरेक्टरी। तो स्पूलर एक आपके पास में क्यू होगी जहाँ पर सारी की सारी जॉब्स जो भी आप प्रिंट कर रहे हो वो सब जाती रहेंगी, ओके, सारी की सारी जॉब उस क्यू में ऐड होती रहेंगी और प्रिंटर उनको एक एक प्रिंट करता रहेगा। तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की तरह भी है। प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, उस बफर में जिसको हम स्पूलर डायरेक्टरी बोल रहे हैं, उसमें जो आपकी प्रिंट जो आप फाइल प्रिंट कर रहे हो वो सब फाइल्स वहाँ पे ऐड कर रहा है, और कंज्यूमर कौन है, प्रिंटर है, जो कि वहाँ से एक एक फाइल उठा रहा है उनको प्रिंट कर रहा है। तो इस केस में अगर आपके पास में स्पूलिंग है, आपने स्पूलिंग यूज़ की हुई है, स्पूलिंग का मतलब भी अगर आप स्पूलिंग यूज़ ना करो तो आप एक टाइम पे एक ही फाइल की कमांड दे पाओगे प्रिंट करने की, लेकिन आपने अपन स्पूलिंग यूज़ की हुई है तो आप कई सारी फाइल को प्रिंट करने की कमांड एक साथ दे सकते हो और वो सारी फाइल्स जो है वन बाई वन प्रिंट होती रहेगी। तो बी कह रहा है कि प्रिंट जॉब गोज मोर स्मूथली विद लेस स्टॉप एंड गो, ओके, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हेन ए कंप्यूटर इज स्वैपिंग, इट इज मूविंग डेटा फ्रॉम द हार्ड ड्राइव टू द फ्लॉपी ड्राइव और मूविंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू द स्वैप फाइल ऑन द हार्ड ड्राइव। हमें पता है कि स्वैपिंग का मतलब सिंपल सा इतना है, आपने वर्ड सुना होगा स्वैपिंग, स्वैप आउट, ओके। तो ये आपके पास में मेमोरी है और ये है डिस्क जहां पर आपकी वर्चुअल मेमोरी है, ओके। डिस्क के अंदर आपकी क्या होती है, एक स्वैप स्पेस होता है, ओके, डिस्क के अंदर एक स्वैप स्पेस है जिसको आप एज ए वर्चुअल मेमोरी यूज करते हो। वर्चुअल मेमोरी इज द पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, हमेशा याद रखना वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का पार्ट है, जो कि आपने हार्ड डिस्क से पहले से कुछ स्पेस उठा लिया है और उसको स्वैप स्पेस बना के उसको एज ए वर्चुअल मेमोरी यूज कर रहे हो। तो जब भी आप कोई भी प्रोसेस या कोई भी डेटा मेमोरी से उठा के हार्ड डिस्क में भेजते हो उसको बोलते हैं स्वैप आउट। जब भी आप कुछ डेटा हार्ड डिस्क से उठा के रैम के अंदर लेके आ रहे हो उसको बोल रहे हैं स्वैपिंग, ओके। तो स्वैपिंग, स्वैपिंग का मतलब ये है, स्वैपिंग मीन्स हार्ड डिस्क और रैम के बीच में। मूविंग डेटा फ्रॉम हार्ड ड्राइव टू द फ्लॉपी ड्राइव, नो। मूविंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू द स्वैप फाइल ऑन द हार्ड ड्राइव, दिस इज ट्रू। मूविंग डेटा बिटवीन रजिस्टर इन मेमोरी, दिस इज कॉल्ड लोडिंग, ओके, दिस इज कॉल्ड लोड इंस्ट्रक्शन और नॉट लोडिंग, दिस इज कॉल्ड फैचिंग। वैन यू आर फैचिंग समथिंग फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, दैट इज नोन एज फैचिंग, ओके। सो दिस इज नॉट ऑल्सो द आंसर, सो दिस द राइट आंसर। स्वैपिंग, जब भी स्वैपिंग वर्ड आएगा तो आप हार्ड डिस्क और रैम की बात कर रहे हो, कुछ भी हार्ड डिस्क से रैम में भेज रहे हो तो उसको बोल रहे हो स्वैपिंग, और जब भी कुछ हार्ड रैम से हार्ड डिस्क में भेज रहे हो उसको बोल रहे हो स्वैप आउट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एन इंटरप्ट हैंडलर इज ए, क्वेश्चन नंबर 12 इज आस्किंग अबाउट द इंटरप्ट हैंडलर। इंटरप्ट हैंडलर क्या है, एन इंटरप्ट हैंडलर इज अ लोकेशन इन मेमोरी दैट कीप्स ट्रैक ऑफ रिसेंटली जनरेटेड इंटरप्ट्स, या फिर कोई पेरिफेरल डिवाइस है, या फिर कोई यूटिलिटी प्रोग्राम है, या फिर स्पेशल न्यूमेरिक कोड दैट इंडिकेट्स द प्रायोरिटी ऑफ ए रिक्वेस्ट। तो इंटरप्ट हैंडलर क्या है आपके पास में, इंटरप्ट हैंडलर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसको आप बोलते हो इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ओके, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो कि इंटरप्ट को हैंडल करता है। पेरिफेरल डिवाइस की बात करो, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो इंटरप्ट को जनरेट करते हैं, पेरिफेरल डिवाइस जनरेट करते हैं इंटरप्ट, और इंटरप्ट करते हैं सीपीयू को, कोई भी डिवाइस होगा वो इंटरप्ट करेगा सीपीयू को, सीपीयू किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा क्योंकि सीपीयू मास्टर है और बाकी सब डिवाइसेस जो हैं वो आपके स्लेव्स हैं। तो स्लेव्स जो है वो मास्टर को इंटरप्ट करते हैं अगर उनको कोई भी काम करना होता है, उसके बाद में सीपीयू उनको एक्नॉलेज करता है। तो जब भी कोई डिवाइस, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस सीपीयू को इंटरप्ट करेगा तो सीपीयू उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन रन करेगा। वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन कुछ चीज़ें करेगा, ओके, मतलब उस पहले जो प्रोसेस रन कर रहा था सीपीयू उसकी सारी सारी डिटेल्स को सेव करेगा, फिर एक नया प्रोग्राम लोड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ये बहुत सारी चीज़ें इंटरप्ट सर्विस रूटीन करेगा। तो आपका इंटरप्ट हैंडलर इंटरप्ट सर्विस रूटीन है जो कि एक्चुअल में एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 13 एंड 14th क्वेश्चन के लिए, कुछ डायरेक्शंस हैं, ओके, ये डेटा है जो आगे के दो क्वेश्चंस के लिए यूज होने वाला है, सेम डेटा विल बी यूज्ड फॉर नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम इन मिली सेकेंड्स वैन वी यूज द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद द टाइम क्वांटम ऑफ 4 ms। सो मेरे पास राउंड रॉबिन है विद टाइम क्वांटम 4 ns 4 ms। तो मुझे बताना है एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। सिंपली इसका हम जेंट चार्ट बनाएंगे, और जेंट चार्ट होगा आपका ऐसे, सबसे पहले सबके सब प्रोसेस जो है वो टाइम जीरो पे आई है, मतलब अराइवल टाइम क्या है, सब प्रोसेसेस का जीरो है, हर एक प्रोसेस का अराइवल टाइम जीरो है। तो सबसे पहले P0 रन हुई और P0 रन करेगी जीरो से
फोर तक, क्योंकि टाइम क्वांटम क्या है आपका, फोर। तो एक प्रोसेस एक बार में 4 नैनोसेकंड के लिए रन कर सकती है मैक्सिमम, मिनिमम जितना उसका बस टाइम होगा। पी वन आई और पी वन रन करेगी आपकी 4 से 7 तक। ओके, यहाँ पे गलती मत कर देना, 4 से 8 मत कर देना, क्योंकि आपका भले ही टाइम क्वांटम 4 हो लेकिन प्रोसेस पी वन कह रही है उसको सिर्फ 3 सेकेंड ही चाहिए। उसके बाद में पी टू आएगी, 7 से 10 रन करेगी। ओके, ये भी कंप्लीट हो गई और ये भी कंप्लीट हो गई, आपके पास में सिर्फ पी जीरो बची हुई है। तो पी जीरो रन करती जाएगी जितना टाइम बचा हुआ है, उसके लिए हम पहले ही 4 रन करा चुके हैं और 20 सेकेंड बचा हुआ है, तो 10 to 30 विच मीन्स 20 सेकेंड के लिए पी जीरो रन करेगी। अब वेटिंग टाइम की बात करें अगर पी जीरो की, तो पी जीरो का इनिशियली तो वेटिंग टाइम कुछ नहीं था, लेकिन वो 4 पे रेडी क्यू में गई और वापस 10 पे आई। ओके, वापस उसको रेस्पॉन्स मिला 10 में। वेटिंग टाइम होता है आपका रेडी क्यू में अराइवल टाइम, रेस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 10 माइनस 4 6। उसके बाद में वेटिंग टाइम ऑफ पी वन क्या होगा, पी वन का वेट अराइवल टाइम था 0, उसको सीपीयू रेस्पॉन्स मिला है 4 पे, यानी कि पहले उसने 4 नैनोसेकंड वेट करनी पड़ी। ओके, उसके बाद में कुछ नहीं वेट करना पड़ा, सिर्फ 4 ही वेट करना पड़ा। फिर आपका वेटिंग टाइम ऑफ पी टू, वेटिंग टाइम ऑफ पी टू क्या होगा, पी टू आया 0 पे और सीपीयू कब मिला उसको, 7 पे, तो 7 उसके वो वेट करना पड़ा। तो एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो क्या होगा, सबको ऐड करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस 3 है, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 7 6, आपका 17, 17 बाय 3 इज 3 5 15 एंड दिस विल बी 5.66 मिली सेकेंड्स। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर आप व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, उसी के लिए आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाल सकते हैं, वही आपका जेंट चार्ट होगा जो पहले था, 0 से 4 तक पी जीरो रन करेगी, फिर आपकी आएगी पी वन जिसको 4 से 7 तक रन करना है, फिर पी टू आएगी जिसको 7 से 10 रन करना है, एंड 10 से 30 आपकी फाइनल जो टाइम होगा उसमें पी जीरो रन करेगी। तो टर्न अराउंड टाइम अगर मैं बात करूँ पी जीरो की, पी जीरो टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। पी जीरो का कंप्लीशन टाइम है 30 एंड अराइवल टाइम है 0, तो 30 इसका हुआ। टर्न अराउंड टाइम पी वन का कितना होगा, पी वन का कंप्लीशन टाइम है 7, अराइवल टाइम था 0, तो 7। टर्न अराउंड टाइम पी टू की बात करें तो कितना हुआ, कंप्लीशन टाइम है 10 एंड अराइवल टाइम है 0, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हुआ आपका 30 प्लस 7 प्लस 10 बाय 3 विच मीन्स 47 बाय 3, दिस इज 15.66। ओके, दिस इज टर्न अराउंड टाइम। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हुआ 15.66। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी इक्वल्स टू वॉट। वॉट यू कैन डू इज हम इसमें से एक एक को सबको सिंप्लीफाई करने करके देख सकते हैं और ऑप्शन बी के साथ में कोशिश करते हैं। तो ए प्लस बी ये कह रहा है कि ए प्लस बी सी इनमें से किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइज करूँ तो ए को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए ए प्लस ए सी प्लस बी ए और अगेन से बी ए बी प्लस बी सी। अब ये इसको लिख सकता हूँ ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, या फिर आप यहाँ से ए कॉमन ले सकते हो, ए प्लस ए कॉमन लिया तो बचा आपका 1 प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी। उसके बाद में ये पूरा हो गया आपका 1, वो ए प्लस ए बी बचा प्लस बी सी, यहाँ से मैं ए कॉमन लूंगा तो 1 प्लस बी हो जाएगा प्लस बी सी, फाइनली ये बचेगा आपका ए प्लस बी सी जो हमें चाहिए था ए प्लस बी सी। तो बी इक्वालेंट है इसके, बाकी आप ट्राई करके देख सकते हो ए एंड सी।